महाराष्ट्र गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल आज खुद गढ़चिरौली में आए हुए हैं। गढ़चिरौली पुलिस ने C60 कमांडोज ने जो सफलता हासिल करी है, गृहमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार उसको रिकग्नाइज करती है, तमाम जवानों से आज मिले हैं, उनको बधाई भी दी है। सर, ये कहा जा रहा है ये जो बड़ी सफलता हाथ में लगी है, इसके बाद जो नक्सल मूवमेंट है न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि आसपास के राज्यों में उसकी कमर तोड़ रही है। इसमें क्या हुआ है कि जो नॉर्थ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, ये मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई से नॉर्थ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट पूरा इसमें मुक्त हो गया। मध्य प्रदेश को भी इसका काफ़ी आधार होगा और छत्तीसगढ़ के लिए भी ये एक बहुत राहत की बात होगी। और ऐसी एक्शन हमारे पुलिस इसके आगे आगे भी जारी रखेगी। सर, एक सवाल ये है, आशंका ये भी जताई जा रही है कहीं कोई रिटेलिएटरी एक्शन ना हो, गृह मंत्रालय ऐसे में रूरल इलाकों में अर्बन इलाकों में किस तरीके से नजर बनाए गए? नहीं, इस बात हमारे ध्यान में है कि इसका रिटेलिएशन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उनकी हानि हुई है मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी उनका कोई रिटेलिएशन हो सकता है। उसके ऊपर हम ध्यान रखे हुए, उसके भी हम बिल्कुल व्यवस्था करेंगे। बड़ी खबर ये भी रही कि टॉप नक्सल नेता मिलिंद तेलतुंबड़े को मार दिया गया, करीब 50 लाख का इनाम था उनके सर पे, 60 से ज़्यादा केसेस थे, कोर कमेटी के वो मेंबर भी थे, इससे क्या लगता है कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? वो तो उनके नक्सलाइट मूवमेंट के बड़े नेता थे, वो काफ़ी देश लेवल पे भी रिकग्नाइज थे, वांटेड थे। अभी उनके जाने से काफ़ी प्रभाव होगा और इसमें ये नक्सलाइट मूवमेंट कम होने में मदद होगी। सर, एक खास सवाल ये है कि जो नक्सल इफेक्टेड एरियाज हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और जिन्होंने सरेंडर किया है उनके रिहैबिलिटेशन के लिए आपके राज्य सरकार के पास क्या प्लान है? ये जो नक्सल अफेक्टेड है या शहीद लोग जो हैं इनको सबको या इस एरिया में रहने वाले लोगों को भी ये एक अलग करने के लिए हमारी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट चाहे रास्ते बनाने हो, पानी की व्यवस्था करना हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सारी व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है और वो प्रयत्न हमारे जारी रखे। सर, आखिरी सवाल ये है कि शायद रिकमेंडेशन भी आया है होम डिपार्टमेंट के पास, C60 कमांडोज ने जो ये अपार सफलता प्राप्त करके इसके बाद कुछ रिवॉर्ड्स पुरस्कार रिकमेंडेशन है इनके लिए? ये तो रिवॉर्ड्स और उनके लिए प्रमोशंस वगैरह ये तो सारा GR में बताया हुआ है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक जरूर सबको जो जिस उसके लिए पात्र है वो मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन समीर शानदार के साथ पंकज उपाध्याय, गढ़चिरौली, आज तक।